जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये जिमगाला ऐप का लिंक है तो आपको डिस्क्रिप्शन में यह मिल जाएगा। आपने इस पर जो है क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल ऑन मोर डिवाइस पर जो है क्लिक करना है ताकि जिमगाला ऐप जो है इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल करने के बाद आपकी मेनू पर ये ऐप आ जाएगी, आपने यहाँ से ये ओपन करना है जिमगाला, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आपने फ़ोन नंबर या गूगल के साथ जो है इसको रजिस्टर करवाना है, जैसे मैं गूगल के साथ करता हूँ। सिंपल रजिस्ट्रेशन है, अपनी जीमेल पर जो है फिर क्लिक करना है, ये रजिस्टर हो जाएगी। इसी तरह फ़ोन नंबर के साथ भी जो है रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद जो है चम्माट रिवार्ड और टास्क रिवार्ड जो है दो ऑप्शन आ जाती है। मैं पहले टास्क रिवार्ड पर जो क्लिक करता हूँ या वॉच वीडियो एड्स है इस पर जो है मैं पहले क्लिक करता हूँ कि एड्स जो है दिखाता हूँ, या 15 सेकंड की जो है एड्स है ऊपर आप सेकंड देख सकते हो। उसके बाद जो है मैंने क्रॉस पर जो क्लिक करना है, बैक आ जाना है। तब मैं क्रॉस पर क्लिक करूँगा और बैक आ जाता हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ, यह मुझे 100 जिम जो है मिल चुके हैं इनके। उसके बाद जो विन एंड लकी रेस है, प्ले गेम्स है, 3 मिनट के लिए खेलना देखना पड़ता है। विन ए गेम है, टॉप अप इस ऑपरेशन को आप छोड़ दें। सेंड ए गिफ्ट है, विड्रॉ सक्सेसफुल। सेंड गिफ्ट कोई भी आप गिफ्ट मतलब रूम में जो है भेज सकते हैं, ये रूम्स है, ठीक है। अब जो है चमाट पे आ जाते हैं तो यहाँ आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, उसकी भी आपके जिम्स मिलती है। उसके बाद ये वॉच लाइव फॉर 3 मिनट्स, ठीक है। कोई वीडियो आपने जो है 3 मिनट देखनी है लाइव। वीडियो चैट है, अगर कोई ऑनलाइन लाइव नहीं आना चाहते तो इस ऑप्शन से दूर रहे। और टॉप अप है और सेंड ए गिफ्ट है, ठीक है। तो इससे जो आपको जिम्स मिल जाती हैं इन सारे ऑप्शनों से, ठीक है। तो ये वो दूसरा एप्लीकेशन है, इसको भी जो है अपने इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैक जाता हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं विड्रॉ की, तो ऊपर ये रूम है सारे, ठीक है। इसमें भी जो है अर्निंग होती है। तो यहाँ आपने जैसे आप $1 बनाओगे, उसके बाद आपने जो है वॉलेट पर जो है क्लिक करना है, ठीक है, पॉकेट पे, ठीक है। यहाँ आपने जो है विड्रॉ पर क्लिक करना है। विड्रॉ करने के बाद जो है अपने फिर से विड्रॉ पर क्लिक करना है और आपका जो $1 यहाँ IRPay पर जो है आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपको विड्रॉ की भी जो है 200 जिम्स मिल जाएगी एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं फिर से विड्रॉ वाली जगह पे जाता हूँ। यहाँ आपने माई IRPay पर जो है क्लिक करना है, ठीक है। मैंने $1 की जो विड्रॉ यहाँ लगाया तो ये $1 यहाँ मौजूद होगी। यहाँ आपने जो है साइन अप करना है पहले, ठीक है। साइन अप करने के बाद जो है आपको यहाँ के विड्रॉ जो है मिलेगी। तो यहाँ आप साइन अप का तरीका है कि आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद जो अपना फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद जो आपने कोई भी 8 हिंसों पर मुश्तमिलक पासवर्ड जो है देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कोड जाती है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। कोड जाने के बाद जो है इसमें और भी जो जीमेल वगैरह भी देना पड़ता है, ठीक है। मैं अभी जो है लॉगिन होता हूँ, तो यहाँ मैं अपना नंबर देता हूँ और पासवर्ड दे। अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो नीचे जो है एक ऑप्शन होता है ये लॉगिन SMS वाला, तो यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हो, जिससे भी यहाँ ओपन हो जाती है। तो यहाँ IRPay जो है ये ओपन हो चुका है, मेरा $1 जो है यहाँ विड्रा हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ IRPay में हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से कैसे जाज कैश वगैरह में करना है, तो उसके लिए जो आपने यहाँ पर एड पर जो है क्लिक करना है, ठीक है। या आपको दो ऑप्शन मिल जाती है, ईपे और जो है बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आपने बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ ऐड पर जो है क्लिक करना है। ऐड करने के बाद बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। बैंक अकाउंट में यहाँ नीचे जो है आना है और यहाँ जो है अपना बैंक सेलेक्ट करना है, जैसे इसमें UFSA, जास कैश और इजी पैसा मौजूद है, इसमें करके दिखाता हूँ। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये यू माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये UPSA बैंक है, ठीक है। और जो है टेलनार भी यहाँ मौजूद है, ये जो है जास कैश में आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो मोबलिंग माइक्रो फाइनेंशियल बैंक, ये जास कैश वॉलेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ इजी पैसा दिखाता हूँ, इजी पैसा में कैसे कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं इजी पैसा है, ठीक है। नीचे जो है आपने फ़ोन नंबर देना है जिस पर आपने इसी पैसे जास कैश बनाया होगा, ठीक है। और फिर जो है डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ आपको जो है बैंक सेलेक्ट करना है, फिर ठीक है आपका जास कैश वॉलेट जो है पहले से जो है मौजूद होगा फिर। और फिर जो है ऑल पर जो है वह क्लिक करना है, ठीक है।
तो फिर जो है सबमिट करना है। तो यहाँ आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है ये ई पे वॉलेट का। इसका फ़ायदा यह है कि आपको कोई फीस नहीं कटती, आप पूरा बैलेंस जो है वो आ जाता है और इंस्टेंट मिल जाती है। दो दिन दिखाता है लेकिन यहाँ इंस्टेंट मिलता है। मैं जैसे इसको मैं इसमें लॉगिन करता हूँ, अपने जो है इसको जीमेल से जो है रजिस्टर करवाना है। सिंपल रजिस्ट्रेशन है, जीमेल जो है टाइप करना है वहाँ रजिस्ट्रेशन में, और जो है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाती है, वो अपने जीमेल में जाकर जो है कॉपी करना है, ठीक है। फिर ये जो है रजिस्टर हो जाएगी, फिर आपने जो है इसमें लॉगिन होना है, और लॉगिन होने के बाद जो है इसमें विड्रा मिलना बहुत ही आसान है। आपने जो है जिस ईमेल के साथ ई पे वॉलेट जो है क्रिएट किया है वह ईमेल जो है यहाँ ई पे में जो है डालना है, और यहाँ आल पर जो है क्लिक करना है। ईमेल डालने के बाद आल पर जो है क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद यहाँ कुछ ही मिनटों में यहाँ विड्रा मिल जाएगी, और यहाँ से आप जैस के किसी पैसे में इस तरह रेमिटेंस पर जो है क्लिक करना है, और रेमिटेंस के बाद जो है आप जो है अपनी यह कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिसमें मैं पाकिस्तान करता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान करने के बाद जो है यह वॉलेट जो है ई वॉलेट सेलेक्ट करना है, और फिर जो है यह फायर भी मौजूद है और परफेक्ट मनी भी है, तो ये इससे जो है वहाँ जैस कैश में आसानी से मिल जाती है अमाउंट, ठीक है। जैसे मैंने फायर सेलेक्ट किया, यह आपने अमाउंट लिखना है, ठीक है, टोटल अमाउंट जितना भी है आपके पास। तो इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा कम लगती है वहाँ, और यहाँ नेक्स्ट पर जो है क्लिक करना है, ठीक है। तो इसका विड्रा जो है यहाँ इस वॉलेट में मिल जाती है, कैशमाल में, ठीक है। कैशमाल में जब आ जाते तब समझ लो जहाज के शीजी के समय जो है आ चुकी है, ठीक है। इसमें जो है ये फायर और परफेक्ट मनी दोनों मौजूद हैं, तो मैं इसका उठा फायर में लूँगा, लेकिन अभी नहीं, इसकी मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा, अभी वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो यही तरीका है दोस्तों। जी दोस्तों, तुम्हें एक बात कहना भूल गए हो कि अगर आप जहाज के शीजी पे समय विड्रा जो है लगाते हो तो उसमें अक्सर पेल हो जाती है, 50% लोगों की विड्रा जो है उसमें पेल हो जाती है, तो इसलिए आप जो है ई पे वॉलेट जो है क्रिएट कर दो, उसमें पेल नहीं होती।